नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीते मंगलवार को सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सुब्रत रॉय के बाद अब सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर उनका साम्राज्य को कौन संभालेगा। जो निवेशकों का पैसा सहारा में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पैसे का क्या होगा? पैसे को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है, सबके जहन में कई सवाल खड़ा हो रहे हैं। बता दें आपको कि जब सुब्रत रॉय का निधन हुआ था तो उनके बेटे की गैर मौजूदगी के बाद कई और सवाल पूछे गए थे। अंतिम संस्कार में सुब्रत रॉय के बेटे ने हिस्सा नहीं लिया, जिसके बाद से सबके जहन में और भी सवाल उत्पन्न होने लगे हैं कि आखिर निवेशकों का पैसा का क्या होगा, उन्हें वापस मिलेगा या नहीं। तो इस खबर में आपको हम बताएंगे कि सुब्रत रॉय का साम्राज्य कौन संभालेगा और जो निवेशकों का पैसा है उसका क्या होगा। ये सारी जानकारी हम आपको देंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। सुब्रत रॉय के निधन के बाद सहारा समूह और उसमें निवेशकों के पैसे फंसे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि सुब्रत रॉय के बाद कंपनी का भार किसके कंधों पर होगा। सुब्रत रॉय के अंतिम संस्कार में बेटे सुशांतो और सीमांतो की मौजूदगी नहीं रहने से यह सवाल और भी जोर शोर से पूछे जाने लगे हैं। कई लोगों का मानना है कि सुब्रत रॉय के कारोबार को अब उनकी पत्नी संभाल सकती है या सहारा परिवार के भरोसेमंद लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि सुब्रत रॉय के नजदीकी ओपी श्रीवास्तव या सुब्रत के भाई जेबी रॉय इस समूह को आगे बढ़ाने में कोई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस बीच भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के अध्यक्ष माधवी पुरी बूच ने कहा कि सहारा के संस्थापक सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी पूंजी बाजार नियामक समूह के खिलाफ मामला जारी रखेगा। आगे माधवी ने कहा कि सेवी के लिए यह मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा है और यह जारी रहेगा, चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं। रिफंड बेहद कम होने के सवाल पर माधवी ने कहा कि पैसा निवेशकों द्वारा किए गए दावों के सबूत के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के जरिए वापस किया गया है। निवेशकों को केवल 138 करोड़ रुपए का रिफंड किया गया है, जबकि सहारा समूह को निवेशकों को रिफंड के लिए सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा करने के लिए कहा गया था। बता दें कि सेबी ने 2011 में सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बॉन्ड के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बॉन्डों के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया गया था। नियामक ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उसके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके फंड जुटाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से जुटाए गए पैसे 15% ब्याज के साथ वापस करने को कहा गया था। इसके बाद सहारा को निवेशकों को धन लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपया जमा करने को कहा गया। हालांकि समूह लगातार यह कहता रहा कि उसने पहले ही 95% यानी कि 95% से अधिक निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया गया है। तो इस खबर में आपको हमने बताया कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है सहारा में, उस पैसे का क्या होगा। और अब तो सुब्रत रॉय रहे नहीं, तो सुब्रत रॉय के बाद उनके साम्राज्य को कौन संभालेगा, इसकी जानकारी भी हमने आपको दी विस्तार से इस रिपोर्ट में। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।